like a pro. Baby, let's go. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको शोल्डर एक्सरसाइज बताऊंगा जिसके थ्रू आप गेन कर सकते हैं बहुत ही अच्छा, बहुत ही कम समय में। तो ईच एंड एवरी स्टेप आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि आपको कितने रैप लगाने, कितने वेट से आपको यूज़ करना, ताकि आपकी जो कैपेसिटी हो उसके अकॉर्डिंगली आप लिफ्ट कर पाए। और रैप जो रहेगा वो 15, 12, 10 और 80 रहेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा आप रैप नहीं लगा सकते शोल्डर में, ठीक है, अगर आपको जल्दी से ग्रो करना चाहते हैं। तो लेट गेट स्टार्टेड गाइस। पहले हम वार्म अप कर लेते हैं। वार्म अप में आप पुल अप और पुशअप्स कर सकते हैं। तीन सेट कीजिएगा पुशअप्स और पुल अप्स, 3 सेट्स जितना जा सके। सपोज तो गाइस हम फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं शोल्डर। पहले हम बैक करेंगे, 4 सेट करना है, 15, 12, 10 और 8 रैप जाएगा। ये थोड़ा ब्रॉड रहेगा ग्रिप, चेस्ट अप, ये अब बैक करेंगे। पहले आपका 15, फिर वेट को इंक्रीज करेंगे, फिर 12, फिर 10 और फिर आपका रहेगा 8। हर एक रैप में आपको वेट इंक्रीज करना है। अब जो गाइस नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगा वो भी 4 सेट रहेगा और रैप उतना ही रखना है, 15, 12, 10 और 8। इसमें भी आपको जो वेट है वो इंक्रीज करना है। इसमें ग्रिप थोड़ा सा क्लोज आएगा आपका जो शोल्डर है उसके लेवल का, और आप लिफ्ट कर सकते हैं ऐसे। ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते रहना है। वो डंबल से होगा, डंबल प्रेस करेंगे। ये भी 4 सेट रहेगा, 15, 12, 10 और 8। जैसे जैसे हम रैप को कम करते जाएंगे वैसे वैसे हम वेट को इंक्रीज करते जाएंगे। आप स्टैंडिंग भी लगा सकते हैं और बैठ के भी। अगला जो एक्सरसाइज होगा वो शोल्डर के लिए, वो आप डंबल से स्टार्ट करेंगे। ये भी 4 सेट, 15, 12, 10 और 8। जो लास्ट शोल्डर का एक्सरसाइज होता है वो फ्रंट रेज करेंगे आप डंबल से, चाहे तो आप बार से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी 15, 12, 10 और 8 अगर जल्दी ग्रोथ चाहते हैं तो अपने शोल्डर में। आप बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं।